Bikes and More present 30 rupees exhaust wrapping. अगर आप एग्जॉस्ट रैपिंग बाहर से करवाते हो तो आपको 300 से लेके 400 रुपीस पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 30 रुपीस पे करके खुद से एयर रैपिंग कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। और आप जानते हो होंडा हॉर्नेट की एग्जॉस्ट में ऐसे ही बहुत सारे कैचेस आ जाता है, और अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करते हो तो 30 रुपीस में आपको जो एग्जॉस्ट का लुक है वो एक प्रीमियम लुक में बदल जाएगा। Hello friend, welcome back to our channel. My name is Jai and you are watching Bikes and More. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो है 30 रुपीस एग्जॉस्ट रैपिंग। यस, 30 रुपीस में कैसे खुद से एग्जॉस्ट को रैप करना है इस वीडियो में पूरा दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए चाहिए आपको विनले, मैंने ये 30 रुपीस में खरीदा है, और एक चाहिए आपको नाइफ, और आपको चाहिए एक लाइटर, और चाहिए आपको एक हेयर ड्रायर। तो ये मैं पहली बार करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं मैं कैसे इसको करता हूँ और इसका फिनिशिंग क्या आता है। तो रैपिंग से पहले अच्छी तरह से एग्जॉस्ट को क्लीन कर लीजिए। तो रैपिंग के लिए आपका जो एग्जॉस्ट का कवर है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका जो बाइक का टूल बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा टूल्स, और इससे आपको ये खोलना है और एक बार अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लीजिए। और अभी जो आपका जो रैपिंग पेपर है उसका मेजरमेंट ले लीजिए कितना आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो में, और भिनले का जो ग्लू वाला पार्ट है उसको निकल लीजिए। तो यहाँ पे मैं सेंटर से साइड की तरफ रैपिंग करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सेंटर में इसको रख रहा हूँ और रैपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब इसको हेयर ड्रायर से थोड़ा हीट कर लीजिए, तो इसका जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। और इसको धीरे धीरे से स्ट्रेच कीजिए, अगर आपको कहीं पे डेंट आ जाए तो हेयर ड्रायर से फिर से इसको हीट कर लीजिए और फिर से इसको स्ट्रेच कर लीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे आपको ये काम करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में इसको देखते हैं। और अगर आप चाहते हो तो इसको पूरा कवर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अब मेरा जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसको मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो डिज़ाइन है उसका एक पार्ट है, तो मैं इसको रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो एक साइड का पार्ट है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी आपको सेम तरीके से करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे एक चीज़ जो वीडियो में नहीं दिया हुआ है वो है आपका जो एजेस है रैपिंग का, उसको आप लाइटर से थोड़ा जला लीजिए और उसको हाथ से प्रेस कर लीजिए, तो इसका जो एजेस है वो परफेक्टली बैठ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पहले से, और इसका जो कवर है उसको फिर से लगा लीजिए तो आपका काम हो गया है। और यस मैंने कर लिया है, देख सकते हो आप इस वीडियो में मैं कैसे कर लिया है इसको। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं पहली बार ये किया है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने एक जॉब कर लिया है 30 रुपीज़ में। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हो 30 रुपीज़ में। तो इस वीडियो को देखिए पूरा और स्टेप बाई स्टेप आप भी ये काम कर सकते हो। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसमें मैं एक स्टिकर यूज़ करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में ये स्टिकर आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो यहाँ पे एक बाइक साइड मोड का लोगो मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिए और हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।